मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल और पानी डाल देंगे। दोनों डालेंगे तो हम लोग मालूम चल जाएगा किसका घनत्व ज्यादा है। yes, ये हो गया। yes, हो गया ना। yes, अब इसमें डाल देते हम लोग पानी। अब मालूम चल जाएगा कि किसका घनत्व ज्यादा और किसका घनत्व कम है। दोनों पहले बताओ, दोनों मिक्स हो गए या नहीं? अगर मिक्स हो गया तो नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। कभी नहीं होता क्योंकि ये इमिसिबल क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी है नहीं, और ऊपर क्या है, तेल। तो बताओ तेल का घनत्व ज्यादा या पानी का? पानी का। पानी का घनत्व ज्यादा है। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार पानी का क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी के लिए पानी नीचे है या नहीं? yes, देख रहे हो ये धीरे धीरे पूरा नीचे सेटल हो जाएगा ये 10 से 15 मिनट में। पानी का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। yes, लेकिन वही तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो बताओ जब यहाँ पे ऑयल का बात करें तो तेल का जो डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। अगर डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा या नहीं? वही अगर डेंसिटी अगर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार ठीक है। अब इसमें हमने क्या करें, हनी थोड़ा सा मिला कर फिर क्या होता है, बताओ इसमें हानि डालेंगे तो ये मिक्स हो गया नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। दिख रहा है या नहीं? yes, सबको दिख रहा है। yes, sir। तीन लेयर है या नहीं है? yes, नीचे क्या है, हनी, फिर क्या है, पानी, फिर क्या है। अब इसमें हम लोग यानी कि इससे हम लोग को क्या क्या मालूम हो रहा है, घनत्व का घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व से पानी का घनत्व क्या है, कम है। इसी के लिए क्या है, ऊपर है। चलो इसी में अगर हम बोले किसी के पास कुछ लोहा का चीज है, चम्मच इसमें तो डूबेगा नहीं, खाना रह जाएगा। किसी के पास कुछ है, डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा घनत्व क्या होगा इसका, डूब गया। yes, यानी कि चाबी का जो घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है, इसी के लिए डूब गया। yes, लेकिन इसी में जब हम लोग कुछ भी ऐसा चीज डाल दे, ठीक ना, क्या है ये, डूबा डूबा कहाँ डूबा, ये अंगूर का, ग्रेप्स का जो घनत्व है क्या है, पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसीलिए पानी में क्या हो गया हुआ है, डूब गया हुआ है। लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, सब घनत्व पे कर रहे हैं। yes, अब इसमें हम लोग और कुछ डाल देते हैं, क्या डाल देते, इसका ढक्कन डाल देते, देसी के लिए इसको अंदर, ये तो डूब गया हुआ है ना, देख रहे हो तेल में ये डूब गया हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि इस ढक्कन का घनत्व तेल के घनत्व से क्या है, ज्यादा, इसी के लिए डूब गया हुआ है। yes, अब इसी में एक चीज और डाल दे, पेपर डाल दे, पेपर क्या नहीं, पेपर नहीं डूब डूब पाएगा किसी के पास, चलो ये डाल दे, ये क्या है, थर्माकोल डाल दे इसको। yes, डूब गया, डूब गया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि थर्माकोल क्या क्या है, घनत्व क्या है, सबसे कम है। बात समझ लो, ये सब किस पे डिपेंड करता है, घनत्व। बात समझ में आ रहा है सबको, देखो लिख रहे हैं, तो ये देखो ये हल्का हल्का सा जो मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इसका जो कि ड्रॉप ड्रॉप्स पे है, ये बार बार इसको हम हिला रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। पानी का जो अणु है, हनी का जो अणु है, वो क्या है, काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। yes, है ना, इसी के लिए हनी जल्दी मूव नहीं कर रहा है, हनी जो है वो जल्दी क्या हो रहा है, जल्दी हिल नहीं रहा है। yes, किसके तुलना में, पानी के तुलना में और तेल के तुलना में। लेकिन क्या सबसे ज्यादा हिल कौन है, देखो पानी का
अणु, तेल का अणु और पानी का अणु आपस में क्या हो रहा, टकरा रहा है। यानी कि समझो इसी प्रकार ये क्या था, पानी था।